एकल विद्यालय अभियान के तहत भाग कुल्लू के अंतर्गत 8 बहनों ने 8 महीनों का व्यास प्रशिक्षण वर्ग लद्रोही जोगिंदरनगर और श्री अयोध्या जी में प्राप्त किया। इन बहनों का एकल विद्यालय अंचल मंडी ने पंडोह कार्यालय में स्वागत किया। यह बात केंद्र प्रशिक्षण प्रमुख प्रेमा ठाकुर ने कही। प्रेमा ठाकुर ने कहा कि 8 महीनों के प्रशिक्षण वर्ग में 7 महीने लद्रोही में और धाम प्रशिक्षण के लिए 1 महीना श्री अयोध्या जी में व्यतीत किए। इन 8 महीनों में इन बहनों ने प्रातः स्मरण में महापुरुषों और संतों की जीवनियां और इसके बाद सर्मानंद योग आसन मानस पाठ कथा प्रसार शिव चरित्र शिव महापुराण और श्री रामचंद्र की कथाएं बताई गई। 8 महीने के प्रशिक्षण व्यास प्रशिक्षण वर्ग में हमारे कुल्लू भाग से 8 बहने गई थी, जिनका प्रशिक्षण 7 माह का प्रशिक्षण मंडी लद्रोही में जोगिंदरनगर लद्रोही में पूर्ण हुआ और उसके बाद धाम प्रशिक्षण के लिए सभी बहनें श्री अयोध्या जी में चले गई और अयोध्या जी से 1 महीने का पूर्ण धाम प्रशिक्षण करके वापस आई। वहाँ पे इन लोगों को पूरे 8 महीने में सुबह प्रातः स्मरण से लेकर प्रातः स्मरण में महापुरुषों और संतों की जीवनियाँ और उसके बाद श्रीमानंद योग आसन मानस पाठ और कथा प्रसंग प्रवचन आदि का अभ्यास करवाया गया और शाखा करवाई गई और शिव चरित्र शिव महापुराण की कथाएं और श्री रामचरित्र मानस की कथा बताई गई। इस प्रकार से हमारी सभी बहनें पूर्ण प्रशिक्षण करके श्री अयोध्या जी धाम से वापिस लौटी। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू भाग के मंडी अंचल में हम सभी बहनों का बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से स्वागत हुआ सभी कार्यकर्ता द्वारा। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट।